वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपने एक नए टॉपिक के साथ, चूंकि हम लोग हमेशा फार्मासिस्ट की बात करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फार्मासिस्ट। इसी फार्मासिस्ट के वजह में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, हमारी पूरी लाइफ में उसका क्या यूज है, उसको जरूर हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, सॉलिड है लेकिन आधा है, और उसमें क्या डोजेस फॉर्म होती है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और इसमें हम लोगों ने ऑइंटमेंट रख रखा है, क्रीम रख रखी है, पेस्ट रख रखे हैं, जेल रख रखे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि हमने कुछ सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो उन्होंने कहा क्या है कि सेमी सॉलिड के अंदर हमें इसका डेफिनेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट पढ़ना है, पेस्ट पढ़ना है, क्रीम पढ़ना है, जेल पढ़ना है, एक्सीपिएंट एंड यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये सारी चीजें पढ़नी है, सब पढ़ेंगे, एक-एक करके पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल, ये सारी चीजें अगर कहीं यूज होती हैं तो वो है स्किन। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, स्किन पढ़ना चाहिए, बिकॉज बिना स्किन के भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं ना, फिर स्किन पढ़ेंगे। आ जाओ मेरे साथ आओ, ये देखो, चलो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। हम लोगों ने ये करके अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो हम लोग यूज करने वाले हैं जो दवाइयां हैं वो कैसे अंदर जाएंगी। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग पेनिटेशन थ्रू स्किन, पहला क्या है, वाया द स्वेट डक्ट। दूसरा क्या है, अक्रॉस द कंटिन्यूअस स्ट्रेटम कॉर्निया, बिकॉज हमने अभी स्ट्रेटम कॉर्निया को वहां पे देखा, थ्रू द हेयर फॉलिकल विद देयर एसोसिएटेड सेबेसियस ग्लैंड। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रूट ऑफ पेनिट्रेशन, ये हमारा रूट ऑफ पेनिट्रेशन है, यहाँ एक दो तीन, यहाँ भी जा रहा है, ये ऊपर वाले पे भी जा रहा है, और ये अंदर तक जाने वाला है, मतलब स्वेट ग्लैंड के पास भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, सेबेसियन ग्लैंड वगैरह सबको कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। इस मैकेनिज्म को आप लोग देख सकते हो। अब हमारे पास मेनली क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस दवाई को अंदर जाने से रोकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन, दैट इज स्किन कंडीशन, ड्राई है, ऑयली है, कैसी है, स्किन एज कितनी है, कभी नई है तो जल्दी से अंदर चला जाएगा बिकॉज पेनिट्रेशन उसका ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो कैसा है, हमारे अंदर जो वेन्स में या कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा है, रीजनल स्किन साइट कैसी है, स्किन मेटाबॉलिज्म कैसा है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट है वो कैसा है, स्पेसीज डिफरेंस कैसा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सबकी स्किन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है। फिजिको केमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्किन हाइड्रेशन है, टेम्परेचर एंड पीएच है, कैसा टेम्परेचर है, मान लो हमें 37 डिग्री पे से अंदर पेनिट्रेट करना, अभी ठंड चल रही है नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन कॉफिशियंट क्या है इसका, ड्रग कंसेंट्रेशन क्या है, मान लो हमें ड्रग कंसेंट्रेशन 25 एमजी देना है, 50 दे दोगे तब तो दिक्कत वाली बात है, पार्टीशन कॉफिशियंट क्या है, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप क्या है, जो हम लोग मॉलिक्यूल उसमें यूज करने वाले हैं उसका शेप है, ये हमारे क्या होते हैं, पेनिट्रेशन फैक्टर होते हैं, इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सेमी सॉलिड कितने होते हैं ये आप देख सकते हो, ऑइलमेंट होता है एक हमारे पास, क्रीम होता है, पेस्ट होते हैं, जेल होता है, पॉलिटिसिस होते हैं, सपोस्टरीज होते हैं। सपोस्टरीज वाला चैप्टर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सेमी सॉलिड में, और यही चीज आप एकदम जस्ट बैक में आप जाके देखिएगा तो आपको मिलेगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन, ऑइंटमेंट क्या होता है, दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, कहता क्या है, एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए हम लोग ऑइंटमेंट यूज करते हैं। पेस्ट क्या होता है, दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल, ये भी ऊपर यूज होता है। क्रीम क्या होती है कि ये होता है, क्रीम में दो चीजें होती है, सेमी से इमल्शन मीन फॉर एक्सटर्नल यूज, इसमें दो तरीके के लिक्विड होते हैं, दैट मीन्स एक ऑयल होगा एक वाटर होगा, दैट मीन्स इमल्शन बेस्ड होता है। जेल क्या होता है, दीज आर सेमी सॉलिड इमल्शन के बाद इसमें क्या होता है, जेलिंग एजेंट मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। सो दीज आर द क्लास ऑफ सेमी सॉलिड। क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, इपिडर्मल, इंडोडर्मिक एंड डर्मिक, मीन फॉर एक्शन ऑफ इपिडर्मिस, जो कुछ होते हैं जो इपिडर्म ऊपर वाले लेयर में करते हैं,
कुछ होते हैं एक्शन आप डीपर लेयर में होते हैं, कुछ होते हैं डीप पेनिट्रेशन अंदर तक जाते हैं। अकॉर्डिंग टू थेरेप्यूटिक यूजेस, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी प्रोटिक है और एस्ट्रिंजेंट है, केराटोलिटिक है। तो ये सारे हमारे पास क्लास होते हैं जो थेरेप्यूटिक यूज में होते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एंटीबायोटिक कुछ है अंदर जाने के लिए, तो हम लोग क्रीम लगाते हैं, वो अंदर तक जाएगा, जब ब्लड में जाएगा तभी काम करेगा। तो ये सारी चीजें, एंटी फंगल भी है, फंगस अगर हमें कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसा तो नहीं है वो ब्लड में जाके उस पूरे एरिया को कवर करके वहां पे ठीक करेगा, इन्फ्लेमेटरी है, चोट लगी हुई है वहां पे कवर करेगा। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। इसमें क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट में, क्या है फैटी पेस्ट होता है, एक्वस जेल पेस्ट होता है, हाइड्रोक्लोराइड, ये क्लासिफिकेशन इसको आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम क्या है, ऑयल बाय वाटर होता है, एनायनिक होता है, कैटायनिक होता है, नॉन आयनिक, इस सब में इमल्शन होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ जेल में क्या करते हैं, बेसिक ऑन यूज, तो क्या है इसमें मेडिकेटेड जेल है, लुब्रिकेटेड जेल है, मिसलिनियस जेल है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखिएगा, आसानी से कवर करेंगे, प्रेम से कवर करेंगे, लेकिन हमें पढ़ना पूरा है। ऑयली क्रीम है, वाटर बाय ऑयल क्रीम्स है, इसमें स्टराइल क्रीम है, सोप क्रीम है। बेसिक ऑफ नेचर दैट मीन इसमें क्या सिंगल फेज सिस्टम है। अगर हम लोग कोलाइडल सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कोलाइड्स क्या होते हैं, या फिर हम लोग उसमें जो दो चीजें होती हैं क्या, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है। तो यहाँ पे भी क्या है ऑर्गेनिक जेल्स है, सिंगल फेज है, टू फेज सिस्टम है। बेसिक ऑन द सॉल्वेंट नेचर, हाइड्रोजेल है, ऑर्गेनोजेल्स है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। सो व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स वी आर यूजिंग, ऑइंटमेंट्स में क्या है, ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, एंटी। अब इन सब के एग्जांपल आपको नोट करने हैं, एग्जांपल्स हम यहाँ पे पीसले वाले जितने भी हैं सबके लगभग कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसी तरह पेस्ट में पेस्ट बेस, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, परफ्यूम, ये सारी चीजें यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, परफ्यूम, ये सारे कॉमन एग्जांपल है, कहीं से भी उठा के आप डाल सकते हो। क्रीम में क्या है, पेनिट्रेशन एनहेंसर होता है, क्योंकि क्रीम क्या होती है थोड़ा विस्कस ज्यादा होती है, उसमें सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, तो ना जाए अंदर उसके लिए हम लोग पेनिट्रेशन एनहेंसर डालते हैं। इमल्जेंट है, को इमल्सिफायर है, इमल्शन स्टेबलाइजर्स हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, स्टेबलाइजर्स है, परफ्यूम है, जेलिंग एजेंट में प्रिजर्वेटिव, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, चिलेटिंग एजेंट, ये सारी चीजें होती है। सो ऑइंटमेंट के लिए हम लोग अब बात करते हैं, ऑइंटमेंट क्या होता है, दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें बेसिस क्या है, सिलेक्टेड आफ्टर टॉक्सिसिटी एंड इरिटेबिलिटी टेस्ट। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहां पे लगाएंगे स्किन, कोई भी चीज स्किन में लगाने वाली है तो क्या करेंगे, एक तो खुजलाहट शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होगी, भैया लगा दिया, क्या लगा दिया, खुजली हो रही है, काट रहा है, नहीं। अभी क्या है कि यही तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी ना, या फिर इससे ले जाएंगे तो क्या हो सकता है कि घाव था और बड़ा हो गया, यही तो प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरीज बेस डू नॉट मेयरली एक्ट एज द कैरियर ऑफ द मेडिकेमेंट्स, ये सारे कैरियर की तरह काम नहीं करते, ये तो बेस होते हैं केवल आपको, इट इंक्रीजेस द बल्क ऑफ ड्रग ओनली, इट विल नॉट वर्क एज ए कैरियर। सो इस चीज को हमें देखना होगा। सो बट दे आर कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेडिकामेंट्स इनकॉर्पोरेटेड विद देम। अब एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करेंगे ना, पेनिट्रेट नहीं करेंगे लेकिन वहां पर रहेगा तभी तो एब्जॉर्ब करेगा, ऑटोमेटिक अगर चला जाए खुद दे तो रहना चाहिए इस वजह से। सो ऑइंटमेंट बेसिस है वो हमें पढ़ने, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के क्या होना चाहिए, कंपैटिबल विद स्किन पीएच, इनाइट नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, गुड सॉल्वेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए, इमोलिएंट इफेक्ट होना चाहिए, मतलब देखने में स्किन अच्छी होनी चाहिए, लगे कि हाँ ड्राई नहीं है, प्रोडक्टिव होना चाहिए, नॉन ग्रीसी, इजिली रिमूवेबल, रिलीज मेडिकामेंट्स इजली एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे हम लोग इसको लगा रहे हैं जो आपका साइट है मान लो ये है, तो यहां पे आसानी से अपना रिलीज दे सके, फार्मास्यूटिकल एलिजेंट एंड पोजेस गुड स्टेबिलिटी एंड मोर ओवर द चांसेस समटाइम्स इट discard their not be stable, so for the particular of stability we need to be use good excipient as per the DSC, that means after chromatography colorimetry you can say DSC chromatogram ki three use kar sakte ho, differential scanning chromatography usme aap dekh sakte ho ki wahan pe agar hamara jo excipients hota hai compatible hai tabhi hum log use karenge to aasani se hamara kaam chal jayega। Bases चार तरीके के होते हैं, आप लोग यूज कर सकते हो, ओलिजिनस बेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं, इमल्सन बेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। तो ये हमारे पास
ऑलिजिनस बेस में आप लोगों को मिल सकता है क्या, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, पैराफिन वैक्स होता है, सॉफ्ट पैराफिन होता है, लिक्विड पैराफिन होता है, ये आपको एग्जाम्पल है। वेजिटेबल ऑयल्स में क्या है, पीनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, लनोलिन ऑयल है, बीज वैक्स है। हाइड्रोजनेटेड एंड सल्फेटेड ऑयल्स में क्या होता है, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड एंड सल्फेटेड कैस्टर ऑयल है। एसिड अल्कोहल में क्या है, सिलिकॉन्स में क्या है, डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन। स्टेरिक एसिड है, स्टेरिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल मिस्टरेट है। तो इस तरीके से चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, दीज आर द ओरिजिन। पेस्ट बेस हम लोग क्या होते हैं, जो हम लोग पेस्ट बना रहे हैं उसमें बेस क्या है, उसको मैंने बोला बेस्ट विल नॉट बी एक्ट एज अ कैरियर। तो पेस्ट बेस में क्या होता है कि सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वाटर मिसेबल बेसिस में ग्लिसरीन, इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयलमेंट्स के लिए, वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाती है। चिलेटिंग एजेंट ईडीटीए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये क्या करता है कि जनरली डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है, इसीलिए चिलेट्स यूज होते हैं। ह्यूमेक्टेंट में क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहे, ग्लिसरीन, सॉर्बिटेंट, मैंने क्या बोला, ग्लिसरीन लगा दो तो आराम से इट विल एक्ट एज ए ह्यूमेक्टेंट। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के क्या होता है, जैसे ग्लिसरॉल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ये क्या करता है कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, नमक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्यों हाइग्रोस्कोपिक होगा, क्योंकि जब वो वाटर मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाता है तो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो पानी पानी हो जाता है, मैं पानी पानी हो गई, वही होता है हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर सब्सटेंसेस। सो जेलिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं जो जेल बनाते हैं, ट्रैगाकॉन था आपने देखा, स्टार्च देखा, पेक्टिन देखा, जिलेटिन देखा, सेलुलोज देखा, कार्क्लेज देखे। सिंथेटिक में क्या होता है, सोडियम एल्जिनेट है, कार्बोमर है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है। तो दीज आर द एग्जांपल। सो 7 to 20% बेंटोनाइज इज यूज्ड एज अ डर्मेटोलॉजिकल बेसिस, 10% एल्युमिनियम मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम सिलिकेट। सो दीज आर द जेलिंग एजेंट्स। तो जेल वाला पार्ट हमारा कवर होता है, ये आपके एग्जाम्पल होगा, ये आपको पढ़ना है, आपको लिखना भी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू मेड इट, व्हाट आर द मेथड्स। ऑइंटमेंट और क्रीम बनाने के लिए चार मेथड, ट्राइचुरेशन, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, इमल्सिफिकेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द पेस्ट, ट्राइचुरेशन और फ्यूजन, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल, जनरल मेथड। सो अगर हम सबको कॉमन पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा ना, वही हम लोग करने वाले हैं। सो सबसे पहले ट्राइचुरेशन मेथड क्या करते हैं, पेस्टल लेते हैं, मोर्टार लेते हैं, भैया ट्राइचुरेट करते हैं। आप लोग हिंदी में समझ जाओ, मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ वही करो। क्या होता है, क्या ये हमारा कोई ये बाउल है, इसमें हम लोगों ने पेस्टल मोर्टार ले लिया और इससे हम लोग इसको ट्राइचुरेट करते हैं, है ना, ट्राइचुरेट करते हैं। तो ये वाला मेथड क्या कहता है, ट्राइचुरेशन मेथड। रिड्यूस, इसमें क्या कहते हैं, रिड्यूस द सॉलिड मेडिकामेंट एज फाइन पाउडर, मेडिकामेंट इज मिक्स इस्तेमाल, दैट मींस हमें क्या है, पेस्टल और मोर्टार यूज करना है, उसको ट्राइचुरेट करना है, कुछ भी हो तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बन जाएगा। एड रिमेनिंग क्वांटिटीज ऑफ बेसिस इन कॉर्पोरेट। अब इसमें क्या, ये वाला हमारा फार्मूला है, इसको एग्जाम्पल है, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको पढ़ाएगा, कहेगा भैया ट्रांजुलेशन मेथड कौन सा होता है, कहीं भी आ जाए कि भैया पेस्ट हमें बनाना है या हमें पेस्ट पेस्ट बनाना है या कोई और ऑप्शन हमारे पास है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्यूजन मेथड, सुटेबल व्हेन ऑइंटमेंट बेसिस कंटेन नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। अब क्या है, फ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो ऑइंटमेंट बेस हमने ले लिया, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शुड बी मेल्टेड फर्स्ट, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो भैया मेल्टेड 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 होके आ गया, नॉर्मल हो गया, मतलब फ्यूजन मेथड। सो दिस अवॉइड, अब ये तो पता है क्या प्रोसीजर है भैया, तो इसे पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी है तो पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी में मैं नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग यू मस्ट टू अंडरस्टैंड वेरी वेल इन योर ओन लैंग्वेज, दैट्स वाई वी आर टेलिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग ओनली इन हिंदी मीडियम। हिंदी में क्या होता है, अगर हम दोनों चीजें मिक्स करके पढ़ते हैं, आपकी समझ में आ जाए बस, मेरा मोटिव और कुछ नहीं है, अब बस समझ जा यार। सो स्टिर थोरली अंटिल मास कूल्स डाउन होमोजेनस प्रोडक्ट। So liquid ingredients or aqueous substances should be heated to the same temperature as the melted base before addition. Precaution क्या क्या लेना है, it if not wax solid cool down quickly and get separated. तो ये चीजें हैं हमारे पास, इसको हम फ्यूजन मेथड से कर लेते हैं। प्रिकॉशन है स्टिरिंग एंड कंटिन्यूअसली एंड होमोजेनस, एक कंटिन्यूअस स्टिर करते रहना है। विग्रस स्टिरिंग शुड अवॉइडेड, मतलब स्टिर कर रहे पे छोड़ दिया, फिर स्टिर कर रहे पे छोड़ दिया, इससे क्या होगा ना, एयर इंट्रैप्ट हो जाएगी। रैपिड कूलिंग, ऐसा ना हो कि भैया लगा दिया माइनस पे, चला दिया एसी, चला दिया फ्रिज,
तुरंत नहीं, अपने आप उसे ठंडा होने दो, ज्यादा फायदा रहेगा। एकदम से ठंडा करो ना, दिक्कत हो जाएगा, जम जाएगा। सो रिमूव द डस्ट फॉरन पार्टिकल स्टेन फ्रॉम म्यूसलिन क्लॉथ। अब क्या है, म्यूसलिन क्लॉथ मिलो, उसको छान लो आराम से, जब गरम गरम रहेगा उसके बाद आसानी से उसको वो कर दो, तो प्रॉपर एकदम प्योर आपको क्लीन क्लीन मिल जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल, आपको इस एग्जाम्पल को लेना है क्योंकि सेट्रीमाइट ऑइंटमेंट हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये है प्रोसीजर, आपको ये प्रोसीजर आपको यूज करना है, दीज आर द एग्जाम्पल ओनली। और ये आपको अगर ऑइंटमेंट करना है तो ऑइंटमेंट में ये वाला एग्जाम्पल आपको देना है, सेट्रीमाइट, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, सीटोस्टेरिल एल्कोहल 10 ग्राम, लिक्विड पैराफिन 29, प्योर वाटर इतना मेल्ट करो सबको भैया, आसानी से सबको मिला दो। वाटर हीट द सॉल्यूशन, मिक्स सेट्रीमाइट सॉल्यूशन टू हॉट मोल्टन वॉश, मतलब एक बार बेस को ले लो, एक बार सेट्रीमाइट विद वाटर ले लो, दोनों को आपस में मिक्स कर दो, हमारा ऑइंटमेंट बन जाएगा। सो केमिकल रिएक्शन मेथड, केमिकल रिएक्शन में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सम ऑइंटमेंट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। सो आयोडीन ऑइंटमेंट हम लोग अगर बनाएंगे, आयोडीन ऑइंटमेंट, तो इसमें क्या है कि आयोडीन दैट मींस Ke2, 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 Ke2। सो इसमें क्या है कि ये सारी चीजें हम लोग लेंगे, आयोडीन स्लाइटली सॉल्युबल इन फैट एंड वेजिटेबल ऑयल्स, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा क्या, रेडली सॉल्युबल इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या है, पॉली आयोडाइड्स आर रीडली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, दिस सॉल्यूशन मे बी इनकॉर्पोरेटेड विद द मोल्टन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑइंटमेंट बेस। नेक्स्ट क्या है, ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन, तो ये हम लोग रिएक्शन है। अब रिएक्शन में क्या है कि जैसे हम लोग बनाना चाहें आपस में, हम लोग आपस में चीजें मिला देते हैं, फिक्स्ड ऑयल एंड मेनी फैट्स ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल सोर्सेस ले लेते हैं, कंटेन अनसेचुरेटेड कंस्टिट्यूएंट, अनसेचुरेटेड कार्बन और हाइड्रोकार्बन, आयोडीन को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, ये चीज हमारा ओलेइक एसिड है। और जब हम इसको अपना रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास डाई आयोडोस्टेरिक एसिड बन जाता है। फ्री आयोडीन इज नॉट अवेलेबल, सो ऑइंटमेंट अपीयर डार्क ग्रीनिश ब्लैक इन कलर, लीव्स नो स्टेन When dropped into the skin। अब क्या, जब हम लोग अपने स्किन पे लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से, hence known as non-staining iodine ointment। Emulsification क्या होता है भाई? Fats, oil and waxes melted together। Oil और wax को एक साथ melt कर लो, इसके बाद उनको हीट कर दो भैया। हीट करने के बाद हमारे पास क्या है कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हीट एट द सेम टेम्परेचर, एक्वस सॉल्यूशन स्लोली एडेड विद मेल्टेड विद कंटिन्यूअस स्टीरिंग, इनके साथ आप मिक्स कर लो, तो आसानी से क्या होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट आप उसमें डाल दोगे तो वाटर और ऑयल आपस में मिल जाएंगे। आप ये जान लो कि इमल्शन जब भी हम लोग बनाते हैं उसमें वाटर और ऑयल होता है, उसके बीच में इमल्सिफायर यूज करते हैं तभी दोनों मिल पाएंगे, नहीं तो वाटर और ऑयल मिल नहीं पाएगा। तो हमें मिलाना है, उसके लिए हमें बिचौलिए का यूज करना पड़ेगा। यू कैन गो विद प्रीवियस जो वीडियोस है हमारे, उसमें इमल्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें अच्छे से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज लैबोरेटरीज। अब बात करते हैं बड़े स्केल पे ये सब कैसे बनता है, ऑइंटमेंट, स्लैब, स्पैचुला, मोस्ट। ये देखो अभी हम लोग पेस्टर और मोर्टार की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं। और ये हमारे पास जो कमर्शियल के लिए हम लोग ट्राइचुरेट करने के लिए लगा देते हैं, बड़ 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 चल रहा, ये क्या पैडल टाइप रोटेटर है लगा गया, तो इससे क्या होगा, हम लोग कुछ भी लगा देते हैं तो आसानी से बन, इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें पिस्टल जो होता है ये वाला पिस्टल का काम करता है, इसमें नीचे हमारे पास मोटार होता है, तो इलेक्ट्रिक की वजह से कि हमें भैया हाथ से ना घुमाना पड़े इस वजह से, तो ये चीजें इसमें चलती हैं। ऑइंटमेंट मिल, ये ऑइंटमेंट मिल है आपका, ट्रिपल रोलर मिल, हॉबर टाइप, ये सारी चीजें अगर इंडस्ट्रियल स्पेल में आपको पूछा जाता है तो इसमें भैया डाल दिया गया इकट्ठा, आराम से निकल रहा है देखो। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जेल, तीन तरीके के जेल होते हैं भैया, मेडिकेटेड होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, मिसलिनियस जेल होता है। तो ये सारी चीजें हैं, मेडिकेटेड जेल क्या होते हैं, अब जेल को मैंने बोला कि आफ्टर इमल्शन उसमें थिकनिंग एजेंट मिला दो, कार्बापॉल इज अ जेलिंग एजेंट, आप कार्बापॉल मिला दो इमल्शन के बाद वो जेल जेल बन जाएगा। सो प्रिपरेशन ऑफ जेल यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग थिकनिंग एजेंट, ट्राइगाकंथ मिला दो, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज मिला दो, तो क्या होगा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको हम लोग थिकनिंग एजेंट भी बोलते हैं, और इसको हम ट्राइचुरेट कर लें, फिर से इनकॉर्पोरेटेड ग्लास मोर्टार में यूज कर लो, होल गम इज प्रेफर टू पाउडर गम, पाउडर गम को पानी में डाल दो तब तो जेल बन जाता है, तो नॉर्मली इसको हम लोग इस तरह से यूज कर लेंगे। अभी क्या है एग्जाम्पल है, तो
तो इसमें क्या लगेगा, एकता मॉल है 20, ये आपको पता है जब कभी आ जाएगा कि आपको एग्जाम्पल देना है, तो जेल के लिए एग्जाम्पल आप लोग इसको बनाना है, जेलीज बना, ट्राइगाकंथ एल्कोहल ग्लिसरीन वाटर सबको मिला दो, आपको क्या बोल जाएगा, एकता मॉल जेली बन जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, ट्राइगाकंथ ये सारी चीजें मिलाई, इसके बाद इसको मिलाया, दोनों अलग अलग, एक ड्रग सॉल्यूशन है, एक सिरेज है, ट्राइचुरेट कर लो, वाटर ऐड करो इसके साथ, ट्रांसफर इनटू द कंटेनर और लेबल कर दो, और आपका ये जेल बन जाएगा। सो नाउ द मेन पॉइंट इज फॉर द पर्टिकुलर फार्मासिस्ट डॉक इन इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम, अलग-अलग सबके इवैल्यूएशन पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग कंटेंट है, रिलीज रेट ऑफ मेडिकामेंट बेस है, पेनिट्रेशन रेट ऑफ मेडिकामेंट ट्रेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम है, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन है, इरिटेंट इफेक्ट है। ये सारी चीजें कैसे की जाएंगी वो वन बाय वन करके हम लोग देख सकते हैं। मिनिमम फिल टेस्ट क्या, सेलेक्ट 10 फिल्ड कंटेनर्स, वेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑइंटमेंट ले लो, मेडिकामेंट इज एक्सट्रैक्टेड सुइटेबल सॉल्वेंट जो हमारे पास उसके रिलेटेड सॉल्वेंट हो, ड्रग कंटेंट इज डिटरमाइन द सुइटेबल एनालिटिकल टेक्निक्स, कितना ड्रग है ये आसानी से आप लोग निकाल लेते हो कि भैया मान लो हमारा 1,000 है तो 1 ग्राम कैसे क्या यूज होगा, वो चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो। रिलीज रेट कैसे करेंगे, अगार क्लब कप मेथड यूज कर लो या डिफ्यूजन, ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रग डिस्कस करेंगे। यूज टू डिटरमाइन द रिलीज ऑफ ड्रग, अभी क्या है कि हमने ये अगार का प्लेट बना लिया है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जोन ऑफ इनिबिशन। अब हमें क्या करना है, अगार की प्लेट ले ली, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, अगार की प्लेट ले ली, अगार उसमें अगार हमने मिला दिया है, अब जो हमारे पास कुछ भी है उसको उसमें हम डाल देंगे, इसके बाद देखेंगे कि उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे, इंक्यूबेटर में रखने के बाद देखेंगे क्या, क्योंकि हमने सैंपलिंग कर दी है ऑलरेडी, सैंपलिंग किस चीज की, जो भी हमारे पास फॉर्मुलेशन था, 24 घंटे बाद देख लेंगे क्या उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड अगार प्लेट मेथड। डिफ्यूजन मेथड में क्या है कि मेडिकामेंट हम लोग रिलीज द रेट ऑफ, हम इसमें भी देखने वाले हैं, तो क्या कहते हैं कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है इस टाइड एट वन एंड, और दूसरी तरफ ग्लास ट्यूब में फंसा दो इसे, ऑइंटमेंट इज फिल ट्यूब प्रॉपरली स्प्रेड एट ऑन मेम्ब्रेन, ट्यूब इज डिप्ड इनटू द डिस्टिल वाटर, 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर लो, सैंपल आर विड्रॉन आफ्टर स्पेसिफाइड, सैंपल को कुछ देर के बाद उसमें डालो, सैंपल इमीडिएटली रिप्लेस विद फ्रेश डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर को हटा के आपका सैंपल वहां पे चला जाएगा, एनालाइज फॉर द ड्रग कंटेंट, कितना ड्रग कंटेंट है उसमें, प्लॉट द ग्राफ। अरे यार जो एक सिंपल सा बात है, इसको वो देखा होगा आपने, आर्गन बात की तरह है, उसका कुछ इसका कुछ इसमें हिस्सा आता है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये इस तरह ग्राफ आप इसको प्लॉट कर सकते हो थोड़ी थोड़ी देर में लेके, इसमें से क्या होगा कितना कितना इसमें ये लगा हुआ है कि कितना इसके बार के अंदर आता है, इसका हम लोग बार बार सैंपल लेके आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, टाइम और ड्रग कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या करेंगे थोड़ी जितने टाइम पे इसको यूवी पे हम लोग देख सकते हैं और ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। पेनिट्रेशन रेट ऑफ मेडिकामेंट्स, तो कितने मेडिकामेंट कितनी देर में पेनिट्रेट करेगा, सो डिटरमाइंड बाई द रबिंग वेट अमाउंट ऑफ द डिफाइंड एरिया फॉर ए फिक्स टाइम, रब करो यहाँ पे, अनअब्जॉर्ब मटेरियल इज रिमूव कम्प्लीटली एंड वेट, जो अनअब्जॉर्ब मटेरियल है उसको हटा दो भैया, डिफरेंस इन, अब क्या है कि डिफरेंस वेट प्रोवाइड बाई टोटल पेनिट्रेटेड, इसको नाप लो जितना अंदर चला गया उससे हटा दो, आपका क्या होगा कितना अंदर गया वो पता चल जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इन टू द ब्लड स्ट्रीम कितना गया है, इसको हम लोग इन वीवो मेथड से यूज कर सकते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ ऐसे ब्लड यूरिया एंड फीसिस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सो एक सिंपल सा मेथड होता है, इन सब चीजों के थ्रू हम लोग ये सारी चीजें जान सकते हैं, चूंकि हमें अब कंसिस्टेंसी कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, चाहे जेल हो चाहे पेस्ट हो चाहे क्रीम हो चाहे ऑइंटमेंट हो, डिटरमाइन द स्लाइडिंग ग्लास ये है, क्योंकि इवेल्युएशन पैरामीटर है ये हमें जरूर देखने चाहिए, डिटरमाइनिंग बाय स्लाइडिंग अ ग्लास प्लेट ओवर द प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ पुली, प्रोडक्ट इज स्प्लिट इवनली ऑन अदर ग्लास प्लेट फिक्स्ड अ वुडन ब्लॉक, वेट्स आर एडेड टू द पैन सो दैट स्लाइडिंग ऑफ द मूवेबल ग्लास प्लेटेड इज ऑब्टेन, ऑइंटमेंट व्हिच रिक्वायर मोर वेट्स अलाउ टू प्लेट टू स्लाइड ओवर द ओवर हैव ए हाई कंसिस्टेंसी और वाइस वर्सा। तो क्या करना है कि हमें कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सिंपल सा बात है कि एक कोई ग्लास है उसको फिक्स कर दो, देखो कि कितनी देर में वो फैलता है, मतलब क्या है कि एक कोई हमने प्लेट ले ली, इसमें कुछ हमने डाल दिया, ये ड्रॉप ही बना रहेगा या कुछ फैलेगा भी, तो कितना कंसिस्टेंट है, कितना एरिया घेर रहा है इससे पता चल जाएगा, सो यू कैन सी दिस डिटरमाइन कंसिस्टेंसी ऑफ। अब ये क्या है,
यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, अब ये पुल्ली है मुंह भैया, ये घूम रही है धीरे धीरे, तो कितनी देर में रब होके कितना अंदर जाएगा। इस सब चीजों से हमारे पास वुडन ब्लॉक है, ग्लास प्लेट है, ऑइनमेंट हमने लगा दिया है, ग्लास प्लेट मूवेबल है पुल्ली से लगा के, तो ऑइनमेंट का हम लोग इससे निकाल सकते हैं। इरिटेशन इफेक्ट है, रैबिट है उसका स्किन उतार दो उसके बाद उसमें लगा दो, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। कोई भी रैबिट है ह्यूमन है यहाँ पे लगा के आप देख सकते हो, अगर खुजली हो रही तो ओके, नहीं तो नहीं, अगर खुजली हो रही है इसका मतलब भैया इरिटेंट इफेक्ट इससे मिल जाएगा, खुजली हो रही है। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ जेल, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, रियोलॉजी मतलब फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर नाप लो भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ द यील्ड वैल्यू, स्प्रेडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी ऑफ एरेशन, कितना स्प्रेड हो रहा है। मैंने बोला कि अभी बताता हूँ, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जेल एग्जिबिट नॉन न्यूटोनियन रियोलॉजिकल बिहेवियर, थिक्सोट्रॉपी, जेल टू सॉल्व, जेल है उसको सॉल्यूशन बनने में कितना टाइम, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ यील्ड वैल्यू, इसमें क्या है, पेनिट्रोमीटर कितना पता क्या कि कितना अंदर जाएगा, यील्ड वैल्यू मतलब कितना हमने जेल जो लगाया कितना अंदर गया उससे पता चल जाएगा। स्प्रेडेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडेबिलिटी इज रिलेटेड टू द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जेल टेस्टेड बाय यूजिंग स्लाइड्स, स्लाइड्स में लेके हम लोग रख देते हैं, ऐसे एक स्लाइड है हमारे पास, इसमें एक ड्रॉप हमने जेल रख दिया, अब देखो कितना फैल रहा। स्टेबिलिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग रख देते हैं, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे ऐसे करके, सो जो भी हमारे सुटेबल है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितने दिन में किस टेम्परेचर पर रहेगा तो कितना स्टेबल रहेगा। सेफ्टी इवेल्युएशन में सेफ्टी डिटरमाइन इवेल्युएटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल, ये पहले हम लोग प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में पढ़ लेते हैं। सो दीज आर द इवेल्युएशन ऑफ पेस्ट, स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, कंपेटेबिलिटी विद कंटेनर, डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी प्रोडक्शन, टेस्ट पास सेंसिटाइजेशन, पार्टिकल साइज क्या है, जिलेटिन बिहेवियर क्या है, तो दीज आर द इवेल्युएशन ऑफ पेस्ट, दोज वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली, सो इनको आप लोग सिर्फ वहां पे इवेल्युएशन पेस्ट में रख दोगे, तो स्टेबिलिटी कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, विस्कोसिटी है, ब्रूक फील्ड इसको मीटर से नापते हैं, कंपेटिबिलिटी विद कंटेनर है ये देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट है, टेस्ट पास सेंसिटाइजेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज नापना है तो अगर हम लोग देखें तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे क्या यूज करोगे, आप लोग यूज कर सकते हो सेम टाइम यूज कर सकते हो, उससे हमारा पार्टिकल साइज आ जाएगा, रिलेटिव बिहेवियर आप लोग देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आज काफी लंबी वीडियो हो गई है और नो डाउट थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मेहनत करोगे, सिर्फ मेरा एक मोटिव है कि कहाँ पे ये यूज होने वाला था, हमारी बॉडी में कहाँ पे यूज होगा, बट एक चीज सिंपल है कि हम लोगों ने जो भी किया है उसको बस एक बार आप थ्रोली अच्छे से पढ़ लेना, अच्छी अच्छी बुक रेफर कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ ये एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन इन द सेंस कि जो हमने बताया जो किया मैक्सिमम पार्ट हमने कवर किया, अपनी कोशिश करी अपना जो भी हमने किया है यहाँ पे, बट आपको मैं यही कहूंगा कि अच्छी स्टैंडर्ड और अच्छी बुक्स आप लोग जब प्रेफर करोगे तो वहां से आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप यहाँ से तो अच्छा ले ही रहे हो बट मैं यही कहूंगा पढ़ने की आदत डालो, दिस इज विजुअल बट पढ़ना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट, आपके आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आपके लाइक्स भी आ रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियोज देख रहे हैं एटलीस्ट लाइक्स तो बनता है कि इतनी देर हम लोगों ने भी मेहनत करी तो एक लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।